हेलो फ्रेंड्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेट पाम मीन्स खजूर फल क्रॉप को। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट फल क्रॉप हैं सारे पढ़ेंगे। लगभग हम 14 से 15 फल क्रॉप को पढ़ने वाले हैं, फ्रूट्स को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैं बता दूँ आपको कि वो मैं आपको कहाँ पढ़ाऊँगा, PHM या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ाऊँगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें पढ़ना है कि एप्पल एप्पल से क्या बनता है सीधा, ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। ठीक है, जैसे केसव है काजू, काजू से क्या बनता है फेनी, फेनी। ठीक है ना, कांजी किससे बनता है, काला गाजर है उससे कांजी बनता है। तो इस तरीके के ये सारे जो पॉइंट है ना ये अपन कहाँ पढ़ेंगे, PHM में पढ़ेंगे। इसलिए मैं क्रॉप के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ अपन एक साथ पूरा टेबल बना के इसको पढ़ेंगे PHM में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे नीरा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नीरा किससे बनता है। नीरा एक्चुअली बनता है पालमीरा पाम से, लेकिन वहाँ ऑप्शन नहीं था पालमीरा पाम, तो क्या लगाना है, कोकोनट लगाना है। इस तरीके के जो पूरा है वो अपन PHM में पढ़ेंगे। वो PHM का पार्ट है, किससे क्या बनता है ना, वो वैल्यू एडेड वाला पार्ट है। ठीक है, वहाँ पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्या, डेट पाम, जिसको हम खजूर बोलते हैं, डेट बोलते हैं। ठीक है, वो उसको आप पढ़ने वाले हैं, पूरी इसकी पैकेज और प्रैक्टिस आज हम समझने वाले हैं। क्लियर है? देखो, इसको सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, सेंचुरी प्लांट, शताब्दी पौधा, शताब्दी पेड़ या शताब्दी पौधा जो भी बोलो इसको कहा जाता है। लेकिन यहां पे दो चीज कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्या डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी ये एक वेराइटी है। क्या है ये वेराइटी है, किसमें, किसकी, कोकोनट की। किसकी किस्म है ये, कोकोनट की, नारियल की किस्म है। दूसरी 21st सेंचुरी, ठीक है, 21st सेंचुरी प्लांट ऑफ 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं सदी का, या फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी, प्लांट नहीं, 21वीं सदी का फल, ये किसे कहते हैं। तो ये रखना, ये आंवला को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, आंवला को। समझना, सिर्फ सेंचुरी प्लांट आ जाए तो डेट पाम को कहते हैं, डबल सेंचुरी वेराइटी कोकोनट की है, और फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी मतलब 21वीं सदी का फल किसे कहते हैं, तो आंवला को कहते हैं। आंवला अमृत फल भी कहते हैं, जिसके त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो डबल सेंचुरी वेराइटी कोकोनट हो गया, 21st सेंचुरी 21वीं सदी का फल है, एनोला, एनोला को बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, डेट पाम को सेंचुरी प्लांट बोला जाता है, मतलब क्योंकि ये लगभग 100 साल तक मतलब इसका जीवन काल हो सकता है, वो होता है। ठीक है, 100 साल से ज़्यादा भी बोल सकते हो, लेकिन डबल सेंचुरी वैरायटी कोकोनट नारियल की है, और 21वीं सदी का फल किसे कहते हैं, आंवला को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब इसकी बेसिक बेसिक चीज़ें क्या है जो हम हर फूल में पढ़ते हैं। पहला, इसका जो वानस्पतिक नाम क्या है, बोटनिकल नेम क्या है, तो बोटनिकल नेम क्या है, फियोनिक्स डेक्टाइली फेरा। क्या नाम है, फियोनिक्स फियोनिक्स डेक्टाइली फेरा, फियोनिक्स डेक्टाइली फेरा इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। क्लियर है, पहली चीज समझा, सेंचुरी प्लांट इसको बोलते हैं, डेट पाम को किस तरीके से दिखाई देता है, आपने खजूर का वो पेड़ देखा है नारियल का, ठीक है, इस तरीके से इसका पेड़ होता है, ये नारियल का जो पेड़ होता है इस तरीके का पेड़ इसका होता है, और यहाँ इसके जो है फल लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके जो है इस तरीके के गुच्छे में फल लगते हैं, इसे ये यहाँ इसे गुच्छे में फल लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे निकलते हैं इसके क्या, सकर्स। ठीक है, ये छोटा छोटा भी ये इसको ऑफशूट बोलते हैं, सारी चीज पढ़ेंगे। क्लियर है, तो नाम क्या है इसका, फ्यूनिस डेक्टिफोरा। फैमिली की बात करें, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो फैमिली या कुल की बात करें, तो किस कुल से बिलोंग करता है, तो इसका कुल है पामेसी। क्या है, पाल्मी, पामी फैमिली, कौन सा है, पाल्मी, पामी फैमिली से बिलोंग करता है, पामी बोलते हैं इसको, एरेसी भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी फैमिली को क्या बोला जाता है, एरेसी भी बोला जाता है। ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति प्लेस कहाँ है इसका, इसका ओरिजिन कहाँ है, तो उत्पत्ति प्लेस जो है इसका कहाँ है, डेट पाम का उत्पत्ति जो प्लेस है इसका वो है इराक,
इराक जो है इसका उत्पत्ति स्थान है, ठीक है, ये याद रखना। एक इराक एक ईरान होता है, ठीक है, ईरान ईरान भी उत्पत्ति स्थान है किसका, ईरान जो है वो अनार का है, ठीक है, याद रखना। अनार ना आ रहा तो ईरान, ईरान न, और इराक का आ जाए तो डेट पाम। डेट पाम का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, इराक है, और अनार का कहाँ है, पोमग्रेनेट का, ईरान न है, ठीक है। तो उत्पत्ति स्थान जो है, अरे यार उत्पत्ति नहीं लिखवा रहा मैं, उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इराक में। बात करते हैं इसके क्रोमोसोम संख्या गुणसूत्र संख्या क्या है, क्रोमोसोम नंबर की बात करें, गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसमें 2n इक्वल टू कितना होता है, 36। क्रोमोसोम नंबर इसमें 36 होते हैं, क्लियर है, किसके, डेड पाम के जो क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र संख्या होती है वो 36 होती है, क्लियर। यहाँ पे हो गया हमारा क्या, बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम, फैमिली पामी होती है, ठीक है, ओरिजिन प्लेस का इराक है, क्रोमोसोम नंबर हमने पढ़ा क्या होता है, यहाँ पे होता है इसका 36। बात करते हैं इसके फ्रूट टाइप की, फल प्रकार, ये किस प्रकार का फल है, फ्रूट टाइप। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है, आपको ये जो है डेट पाम है ये पढ़ने में मिलेगा क्या कि ये क्या है, ड्रूप है, और आपको पढ़ने में मिलेगा ये बेरी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस के पूछने के तरीके के ऊपर डिपेंड करेगा आपको आंसर क्या लगाना। वैसे फ्रूट टाइप क्या होता है, ये होता है सिंगल सीडेड बेरी जो है इसका क्या होता है, फ्रूट बताता है, मतलब एक बीजीय बेरी बोलते हैं इसको, एक बीजीय बेरी इसका क्या है, फल प्रकार है। लेकिन क्वेश्चंस के पूछने के तरीके ऊपर, क्वेश्चन पूछेगा कि डेट पाम है क्या है, अगर ऑप्शन में दे दिया ड्रूप, नंबर दो दे दिया बेरी, नंबर तीन दे दिया ए एंड बी बोथ, ये दे दिया तो आपको क्या लगाना है, अगर बोथ दे दिया तो आपको ये लगाना है ए एंड बी बोथ, ड्रूप भी है बेरी भी है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा नहीं दिया, ए और बी बोथ नहीं दिया, और यहाँ पे कुछ और दे दिया, मान लो यहाँ पे दे दिया पेपो और चौथा दे दिया पॉम, तो आपको क्या लगाना है, बेरी, क्या लगाना है, फिर बेरी लगाना है, ड्रूप नहीं लगाना है, और बेरी में भी अगर सिंगल सीडेड दिया है तो सिंगल सीडेड लगाना है, इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो सिंगल सीडेड बेरी होता है, ठीक है। चलिए इडेबल पार्ट की बात करते हैं, इडेबल पार्ट क्या है इसमें, खाने योग्य भाग, इडेबल पार्ट की बात करते हैं, खाने योग्य भाग क्या है, खाने योग्य भाग की बात करें तो इसमें ये भी क्या है, इसका भी पेरिकार्प, गुठली को छोड़ के सब कुछ खा जाते हैं अपन, ठीक है, पेरिकार्प जो है क्या है, इसका इडेबल पार्ट है, ठीक है। इनफ्लोरोसेंस की बात करें, पुष्पकर्म कैसा होता है, इनफ्लोरोसेंस पुष्पकर्म की बात करें तो पुष्पकर्म क्या होता है, स्पेडिक, जैसे केले में होता है, और किस में होता है, केला में होता है, और नारियल में होता है, इनमें क्या होता है, स्पेडिक टाइप का क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस। स्पेडिक का मतलब होता है कि इनका जो फ्लावर होता है वो कवर्ड होता है, ठीक है, जैसे मान लो फ्लावर है ना, तो फ्लावर अंदर एक आवरण के बीच में कवर्ड होता है, ठीक है, उसको स्पेडिक, कई बार जैसे बुट्टा, बुट्टा हम क्या पढ़ते हैं, सिल्को टेसल पढ़ते हैं, लेकिन उसका इनफ्लोरेसेंस भी स्पेडिक्स कहा जाता है कि स्पेडिक से, उसका भी स्पेडिक अगर ऑप्शन हो तो उसको भी अपन सही मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका भी जो फ्लावर होता है या बुट्टा जो होता है वो कवर्ड होता है, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या हो गया, यहाँ पे इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है किसका, डेट पाम का होता है स्पेडिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किस टाइप का प्लांट है ये, तो देखो यहाँ पे ये भी जो होता है ना, जैसे पपाया हमने पढ़ा, पपाया पाया पॉइंटेड गार्ड हम पढ़ेंगे, तो वो भी डायोसियस प्लांट है, वैसे ये भी क्या है, एक डायोसियस प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, एक डायोसियस प्लांट है, डायोसियस प्लांट मतलब एक लिंगी पौधा है। हमने पपाया के अंदर पढ़ा है डायोसियस का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार समझिए, डायोसियस का मतलब होता है, ठीक है, डायोसियस का मतलब होता है कि यहाँ पे एक जो पौधा होगा आपका, ये एक जो पौधा होगा ये होगा मेल, ठीक है, मतलब इसमें जो फ्लावर होगा, इसमें जो फ्लावर लगेगा वो मेल फ्लावर होगा, और एक और पौधा होगा ये इसमें होगा फीमेल, ठीक है, ये इसमें होगा फीमेल फ्लावर। तो जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग प्लांट पर हो, कि इस पे मतलब यहाँ पे हमें क्या समझना है, यहाँ पे समझना है कि इस पौधे पर एक ही सेक्स होगा, एक ही सेक्स होगा, जैसे मेल है ना, एक ही है,
यहाँ पर अगर बात करो इस पे एक ही सेक्स है कौन सा, फीमेल। तो इस टाइप की जो कंडीशन है इसको बोला जाता है एक लिंगी, मतलब एक पौधे पर एक ही लिंग होता है, उसको बोलते हैं डायोसियस। डायोसियस क्यों बोला गया इंग्लिश में, कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पौधे पर होंगे, तो इसलिए डायोसिस। हिंदी में पढ़ोगे एक लिंगी मतलब समझ में आ जाएगा कि एक पौधे पर एक ही फ्लावर होगा, मेल का होगा या तो फीमेल का होगा, ठीक है, एक साथ नहीं होंगे, इसको बोलते हैं डायोसियस, जो पपाया के अंदर भी होता है। ठीक है, डायोसिस वाली कंडीशन कहाँ होती है, एक तो होती है पपाया के अंदर और पॉइंटेड गार्ड के अंदर भी होती है, जो हम वेजिटेबल में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंटेड गार्ड के अंदर भी होती है, तो ये डायोसियस प्लांट है। अब सीधी सी बात ही, ये डायोसियस प्लांट है तो इसमें क्या होते हैं, मेल फ्लावर भी चाहिएगा और फीमेल भी चाहिएंगे, है ना, क्योंकि अगर पोलिनेशन करवाना है तो मेल प्लांट का होना जरूरी है। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो कितना रखा जाता है, सेक्स रेशियो कितना रखा जाता है, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के बीच में जो रेशियो कितना रखा जाता है, तो 3:100 का रेशियो रखा जाता है। अगर 100 प्लांट आपने फीमेल के लगाए हैं तो उनके बीच में 3 प्लांट जो है मेल फ्लावर के भी होना चाहिए, तभी क्या होगा यहाँ पे पोलिनेशन होगा। बात आई पोलिनेशन की, तो यहाँ पे पोलिनेशन की बात कर लेते हैं, परागण की। पोलिनेशन किस टाइप का होता है, परागण किस टाइप का होता है, परागण जो होता है यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है, पर परागण होता है। पर परागण में भी जो होता है किसके द्वारा होता है, तो पर परागण जो होता है वो हवा के द्वारा होता है, हवा, ठीक है, एयर के द्वारा होता है, एयर के द्वारा उसको क्या बोलते हैं, एनेमोफिली कहा जाता है, एनेमोफिली कहा जाता है, हवा के द्वारा जो परागण होता है उसको एनेमोफिली कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ, इसमें हवा के द्वारा होता है, ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये एक प्लांट है, ठीक है, ये मेल है ये फीमेल है। अब हवा आएगी और हवा जो है परागकण को ऐसे लाएगी, ठीक है, हवा परागकण को लाएगी, लेकिन हुआ होगा क्या, होगा क्या, मान लो हवा इस तरफ से चल रही, परागण इस तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन हवा एकदम से क्या हो गई, पलट गई, डायरेक्शन बदल दी, तो ये तो इधर इस तरफ हो जाएंगे, इस फीमेल प्लांट तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। भैया क्या बोला, हवा के द्वारा पोलिनेशन होगा, ये मेल प्लांट इधर है, फीमेल इधर है, ये अपना परागकण जो है हवा के द्वारा आ रहे हैं इधर से, लेकिन हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे एक बेस्ट, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाना वाला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल पोलिनेशन किस फल में किया जाता है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल पोलिनेशन करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम परागण, और ये कृत्रिम परागण किसके द्वारा किया जाता है, तो हैंड, हैंड के द्वारा करते हैं, हैंड पोलिनेशन, ठीक है, हैंड पोलिनेशन, हाथों से जो पोलिनेशन हाथों से करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि कृत्रिम परागण हैंड पोलिनेशन जो है किस फल में किया जाता है, तो डेट पाम के अंदर किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें पोलिनेशन जो है हवा के द्वारा होता है, हवा के द्वारा जो नहीं पहुंच पाता है तो फिर वहां से हाथ से यहाँ से साइंटिस्ट लेंगे और लेके आके मेमल प्लांट पर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पोलिनेशन किया जाता है, यहाँ तक कि मामला समझ में आ गया। पोलिनेशन के बाद हम बात करेंगे प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन जो है प्रवर्धन, प्रवर्धन जो है इसमें कैसे करते हैं, तो इसमें करते हैं ऑफशूट से, कैसे करते हैं, ऑफशूट से जो इसमें प्रोपोगेशन किया जाता है। ऑफशूट क्या है, तो मैंने अभी बताया आपको, ये जो अपना प्लांट है ये, ठीक है, ये जो है ऑफशूट है, ये जो प्लांट है इसमें से छोटे छोटे और निकले हुए रहते हैं, इनको बोला जाता है ऑफशूट, ठीक है, एक तरह के क्या है ये, सकर्स हैं। अगर ऑफशूट ऑप्शन में ना हो तो सकर लगा सकते हो, तो इसको बोलते हैं ऑफशूट, ठीक है। अब इन ऑफशूट का क्या होता है, इन ऑफशूट का, एक मिनट देखो, अब इन ऑफशूट का क्या पूछा जाता है, साइज पूछ ली जाती है कि इनका जो है वेट कितना होता है, ऑफशूट का जो है वेट मतलब वजन कितना होना चाहिए, तो ये ऑफशूट का वजन लगभग 12 से लेकर 15 kg होना चाहिए, ठीक है। अगर हम प्रोपोगेशन के लिए ऑफशूट ले रहे हैं तो उस ऑफशूट का वेट कितना होना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी भी साइज का ले लेंगे, मतलब लेंगे उसको चेक करेंगे इसका वेट कितना है, 12 से 15 लगभग होना चाहिए, या फिर 8 से लेकर 20 kg के बीच में हो तो भी सही माना जाएगा, इतना हम वेट लेते हैं किसका, ऑफशूट का, प्रोपोगेशन के लिए, किसमें, खजूर के अंदर, डेट पाम के अंदर। यहाँ पर टाइम की बात करें, तो टेस्ट किस टाइम पर इसको करना है, प्लांटिंग टाइम की बात करें या ऑफशूट के सेपरेशन की बात करें, दो चीज़ें, ठीक है, या तो हम बात करें क्या, प्लांटिंग टाइम, एक तो हो गया रोपण टाइम, या फिर हम बात करें ऑफशूट सेपरेशन, या हम इसको क्या बोले, ऑफशूट सेपरेशन, ऑफशूट को अलग करना, अलग किसके लिए करेंगे, प्लांट करने के लिए ही, ऑफशूट को निकाला और खेत में ले जाके वहाँ पे प्लांट कर दिया, तो ये टाइम जो होता है ये इसमें होता है फरवरी
मार्च दो टाइम पे करते हैं और अगस्त से सितंबर। तो प्लांटिंग टाइम जो होता है फरवरी मार्च और अगस्त और सितंबर, इसका जो है प्लांटिंग टाइम है या ऑफशूट को अलग करने का समय है। ऑफशूट को अलग करना मतलब ये प्लांट है, प्लांट से यहाँ पे ऑफशूट है, इस ऑफशूट को यहाँ प्लांट से अलग करना। अलग कब करेंगे? जब हमें उसको प्लांट करना रहता है। तो या तो पूछ ले ऑफशूट सेपरेशन का टाइप क्या है, तो भी आपको लगाना है फरवरी मार्च अगस्त सितंबर। फरवरी मार्च में भी करते हैं, अगस्त सितंबर में भी करते हैं, और ऑफशूट सेपरेशन भी पूछे तो यही आपको लगाना है। इतनी बात आपको क्लियर आ गई। अब यहाँ जो एक लीफ है, इनकी जो पत्तियां हैं इनमें क्या करते हैं, प्रूनिंग भी करते हैं। ठीक है, इनकी जो लीफ है ना, प्रूनिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स हैं पत्तियां हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पत्ते ये जो निकलती रहती है लीव्स, इनकी प्रूनिंग भी करना पड़ती है। तो इनकी प्रूनिंग कब करते हैं, तो याद रखना इनकी प्रूनिंग की जाती है जून के महीने में। ठीक है, कटाई छटाई जो करते हैं इसकी कब करते हैं, जून के महीने में इसकी कटाई छटाई भी की जाती है। यहाँ तक आपको मामला क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, इसमें जो पूरी तरीके से पकने के लिए जो है हीट टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसको पूरा पकाने के लिए जो है टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, देखो हीट यूनिट की आवश्यकता होती है इसको, हीट यूनिट। हीट यूनिट क्यों, हीट यूनिट मतलब इसको पूर्णतः पकाने के लिए, पूर्ण पकने के लिए इसको हीट यूनिट की जरूरत पड़ती है पूरी तरीके से मैच्योर होने के लिए। और हीट यूनिट जो होती है कितनी, लगभग 3300 घंटे इसमें हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। लगभग 3300 घंटे इसको हीट यूनिट मतलब टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। क्लियर है? और इसका जो टेम्परेचर है कितना होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर तापमान जो होता है वो 25 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ और क्या चीज़ है, यह हो गया हीट यूनिट, हो गया टेम्परेचर, हो गया टेम्परेचर के बाद हम बात करें कि इससे कौन सा पेय पदार्थ बनता है। ठीक है, पेय पदार्थ की अगर बात करें, कौन सा पेय पदार्थ इसे बनाया जाता है, तो पेय पदार्थ की बात करें, पेय पदार्थ इसे बनाते हैं डिबीज, याद रखना क्या, डिबीज, डिबीज या ताड़ी जिसको हम बोलते हैं, क्या ताड़ी, ताड़ी इससे बनती है। ठीक है, वो मटके में लटका देते हैं और वो इकट्ठा होता है। जितनी ताड़ी जितनी पुराने दिन की होती है उतनी अच्छी लगती है ना, फर्मेंटेशन उतना अच्छा होता है। पीते हैं ना ताड़ी, गांव में लोग जो पीते हैं, तो ताड़ी वो क्या रहता है, आपने देखा होगा मूवी में, साउथ मूवी में वहाँ मटका टंगा रहता है, उसमें क्या होता है, वहीं ताड़ी बनती है और जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी लगती है, थोड़ा सा खट्टापन उसके अंदर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बात की हमने किसकी, हीट यूनिट की बात की, और पेय पदार्थ कौन सा डिपीज इसमें पाया जाता है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, इसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें, इसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है इसके अंदर होती है। और न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिटिव मतलब पोषक मान की बात करें, पोषक मान की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना, 68% कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता है। और बनाना में भी होता है, बनाना में कितना होता है हमने पढ़ा, 26.6% तक इसमें क्या होता है, बनाना में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये जो होता है ये ड्राई डेट जो होता है, ड्राई ड्राई में होता है। ठीक है, ड्राई डेट जो ड्राई होती है उसमें 68%, बनाना जो होता है फ्रेश होता है, फ्रेश पे होता है 26% जो होता है। ये न्यूट्रिटिव वैल्यू हो गई। ये जो है हाइएस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, याद रखना हाइएस्ट साल्ट टॉलरेंट है, सर्वाधिक लवण लवण सहनशील, सर्वाधिक लवण सहनशील। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाईएस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, तो ये है। इसके अलावा हमने और पढ़ी है तो वो जैसे बेर होता है, ठीक है, अनार भी साल्ट टॉलरेंट है और अमरूद भी है, अमरूद भी साल्ट टॉलरेंट है, ये भी साल्ट टॉलरेंट है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा साल्ट टॉलरेंट कौन सी है, ये कौन सी, डेट पाम। क्यों, इसका पीएच कितना होता है, पीएच होता है लगभग मोर देन 8.5, लगभग 9% के नौ पीएच इसका होता है, 8.5 के आसपास पीएच होता है। मतलब ये ऐसी क्रॉप है जो कहाँ होती है, एरिड रीजन में होती है, ड्राई एरिया में होती है, जहाँ पर जो है सोइल में अंदर जो है साल्ट अधिक होता है, तो वहाँ पर ये आसानी से हो जाती है। क्लियर है? इसके अलावा और क्या चीज़ हमें देखना है, प्लांटिंग टाइम देख लिया, प्लांटिंग टाइम देख लिया हमने, प्रूनिंग भी देख ली, हार्वेस्टिंग स्टेज की बात करेंगे अब। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं आपके हार्वेस्टिंग स्टेज से, हार्वेस्टिंग स्टेज से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुड़ाई अवस्था से सबसे ज्यादा, तुड़ाई
तुड़ाई अवस्था से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्यों? क्योंकि और वो भी कहाँ से बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे अधिक, सबसे पहले बात करते हैं तुड़ाई अवस्था में, यहाँ आता है गंडोरा, ठीक है। तुड़ाई अवस्था में सबसे पहले आएगा गंडोरा, ठीक है। गंडोरा क्या बोला जाता है इसको? गंडोरा, इसको किमिरी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है? कि मरी, किमिरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होता है, फल जो है इस अवस्था में जो होता है, फ्रूट जो होता है, वो फल जो होता है डेट पाम का, वो कच्चा होता है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। जो फल होता है वो कच्चा होता है, ग्रीन कलर का होता है, हार्ड होता है, ठीक है। फल जो होता है वो कठोर होता है, इसमें क्या होता है? फ्रूट जो होता है क्या होता है? हार्ड होता है, हार्ड होता है, एंड क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। मतलब कठोर व हरा होता है इस स्टेज में, गंडोरा स्टेज में, ठीक है। दूसरी जो स्टेज है हमारी वो है डोका। दूसरी स्टेज क्या है? डोका, डोका स्टेज, ठीक है। क्या बोलते हैं? डोका। इसको क्या बोला जाता है? खलल भी बोला जाता है, खलल, खलल स्टेज भी कहते हैं। ये जो है इसमें जो है फ्रूट क्या होता है? राइप तो हो जाता है, ठीक है। फुल, फुली डेवलप्ड, पूरी तरीके से डेवलप तो हो जाता है, हार्ड रहता है, बट हार्ड तो रहता है बट बिकम येलो आर रेड, ठीक है। यहाँ मेच्योर पूरी तरीके से पक तो जाता है, ठीक है, पक जाता है, कठोर, कठोर होता है, ठीक, लेकिन पीला या लाल रंग का होता है, ठीक है। और ये जो अवस्था होती है डोका स्टेज वाली, ये जो अवस्था होती है फ्रेश कंजप्शन के लिए सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, सुटेबल फॉर फ्रेश कंजप्शन, ठीक है, ताजा खाने के लिए उपयुक्त अवस्था, ठीक है। और भारत में इसी अवस्था में कटाई करते हैं, ठीक है, भारत में इसी अवस्था में कटाई करते हैं, ठीक है, भारत में इसी अवस्था में कटाई की जाए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि डोका स्टेज जो है भारत में इसी अवस्था में इसकी तुड़ाई करते हैं, और ताज़ा खाने के लिए भी बेस्ट होता है डोका स्टेज, पूरी तरीके से पक तो जाता है लेकिन कठोर होता है, और क्या होता है ये लाल पीले रंग का होता है, ठीक है, इतनी समझ में आई। इसके बाद जो होती है डंग, इसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है डंग स्टेज, डंग, डंग स्टेज, ठीक है। डंग स्टेज में क्या होता है? यहाँ पे पूरी तरीके से पक जाता है, फुली डेवलप्ड या फुली राइप बोल सकते हो, ठीक है, फुली राइप हो जाता है, ठीक है, बट पार्शियली सॉफ्ट, क्या होता है? पार्शियली सॉफ्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है? पूर्ण पक जाता है, पूर्ण पक जाता है, लेकिन मुलायम होता है, मुलायम, अर्ध मुलायम होता है, ठीक है, अर्ध मुलायम होता है, पूरी तरीके से मुलायम नहीं होता। और अन्य देशों में इसी अवस्था में तुड़ाई करते हैं, अन्य देशों में इसी अवस्था में खाते हैं या तुड़ाई करते हैं, तुड़ाई करते हैं, ठीक है, अन्य देशों में, भारत को छोड़ के, भारत का ही पूछा जाएगा तो डोका स्टेज में करते हैं, भारत के अलावा और जो देश हैं वहाँ पर इसी अवस्था में तुड़ाई करते हैं। किस अवस्था में? डंग स्टेज में ही करते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से पक जाता है और आर्द्री मतलब थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। और लास्ट जो है पिंड, ठीक है, पिंड स्टेज, पिंड स्टेज, या इसी को क्या बोलते हैं? पिंड स्टेज, और इसी को बोलते हैं तमर। तो यहाँ पे क्या होता है? फुली डेवलप्ड, और क्या यहाँ पे पक भी जाता है और सूख भी जाता है, ठीक है, यहाँ हो जाता है पूर्णतः पक जाता है और सूख जाता है, पूर्णतः पक जाता है और सूख जाता है, ठीक है। और इसी में क्या बनाते हैं हम? छुआरा, छुआरा मतलब पिंड खजूर जो बनाते हैं, पिंड खजूर, वो इसी की बनाई जाती है,
ठीक है, स्टोरेज पर्पज़ के लिए बेस्ट होता है, स्टोरेज पर्पज़ के लिए ये बेस्ट होता है क्योंकि पूरी तरीके से सूखा होता है, स्टोरेज पर्पज़ के लिए बेस्ट होता है। तो ये चार स्टेजेस में से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज याद क्या रखनी है आपको, डोका स्टेज। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेराइटी की, किस्म की। ठीक है, वेराइटी किस्म की बात करें तो सबसे पहले यहाँ वेराइटी सुटेबल फॉर रॉ कंजप्शन या डोका स्टेज के लिए, वेराइटी सुटेबल फॉर रॉ कंजप्शन या डेट के लिए, छुआरा के लिए। ठीक है, डेट छुआरा बनाने के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी पहले यहाँ आ जाएगा, वेराइटी सुटेबल फॉर डेट या जिसको हम क्या बोलते हैं, छुआरा, छुआरा के लिए। तो छुआरा के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, छुआरा के लिए जो बेस्ट वैरायटी कौन सी है, तो याद रखना खदरावी। क्या होती है खदरावी? मडजूल, मडजूल, ये दो बेस्ट है, खदरावी और मडजूल जो है उसमें भी सबसे बेस्ट जो है ये इसके लिए बेस्ट है। दूसरा आता है रा कंजप्शन के लिए, वैरायटी सुटेबल फॉर रॉ कंजप्शन मतलब ताजा खाने के लिए, ताजा खाने के लिए जो है कौन सी वैरायटी यहाँ पे बेस्ट होती है ताजा खाने के लिए, तो ताजा खाने के लिए जो वैरायटी बेस्ट होती है वो होती है बरही, हलावी, खुनेजी, खुने जी, ये जो है बेस्ट होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मामला आपका? ठीक है, और जूस के लिए वैरायटी, जूस बनाने के लिए कोई वैरायटी हो, जूस के लिए जो होती है वो जगलूल, जगलूल वैरायटी जो जूस के लिए बेस्ट होती है। ठीक, पिंड खजूर के लिए बेस्ट चौथी जो है, पिंड के लिए जो बेस्ट वैरायटी है वो है जाहिदी, जाहिदी, और ये कौन सी है, हार्ड वैरायटी है, हार्ड वैरायटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वैरायटीज भी है, यहाँ पे अपने विंसेट पेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूछे भी नहीं जाते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा डेट पाम का, जितनी भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस करी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कम पूछा जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो भी पूछे जाएंगे सारे हमने डिस्कस किए। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।